अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के अपडेट्स मिल सके। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही वीडियो को शेयर कर दें। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आस्तीन पर बहुत ही खूबसूरत सा जाल डिज़ाइन। हमने आस्तीन का कटिंग कर लिया है, इसकी लंबाई है हमारा 18.5 इंच का, 18 इंच का होगा। ये हमने 5 इंच की लंबाई रखनी है। लंबाई 5 इंच की है, चौड़ाई हमारा 5.5 इंच की है। यहाँ से हमने 1 इंच की यानी कि छोड़ना है, 1 इंच की हमने नीचे से भी छोड़ देना। ये हमारे कितने 3.5 इंच की लंबाई है। इसको हमने सेंटर करना है इस तरीके से। सेंटर से हमने 1.5 इंच का रखना है। और इधर से हमने 1.25 इंच का रखा है। इस तरफ से भी हमने 1.25 इंच का। इसको हम कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे। ये हमने चिपका लिया प्रेस से। इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है चारों तरफ। हमने फोल्ड कर लिया, इसको हम कटिंग करेंगे इस बराबर बराबर से। ये हमने कटिंग कर लिया, अब इसको हमने आस्तीन के सेंटर पे रखना है और इसको पलटी करना है। क्योंकि हमने यहाँ पे पाइपिंग लगानी है अगर होगी तो, इसलिए हमने इसको गैप यानी कर रखा है, तकरीबन 1.25 इंच का होगा गैप। इसको हम इधर सिलाई लगाएंगे इसको। हमने सिलाई लगा ली अंदर की, इसको अभी कटिंग कर देंगे इसको। हमने कटिंग कर लिया, इसको कट लगाएंगे। अब इसको हम पलटी करेंगे। ये हमने 1 इंच के नीचे चौड़ाई रखी है, लंबाई अपने हिसाब से नहीं रख लेना, जितनी भी रखना है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करके इसको सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगा ली है, अब हमने सुई की मदद से इसको पलटी करेंगे।
कि हमने सुई की मदद से इसको पलटी करेंगे इस तरीके से, हल्का हल्का सा खींचेंगे हम इसको। जब हमने पट्टी पलटी कर ली, इसको प्रेस लगाएंगे इस तरीके से, इसके साथ साथ हमने निशान लगा लेना है। हमने निशान लगा लिए, ये हमने पट्टी प्रेस कर लिया था, इसके साथ हमने इस तरह से लगाना है। वही निशान से हमने इतना इसलिए फालतू रखा था कि दबाव में हमारा आस्तीन में बराबर आ जाए। एक पट्टी के बराबर हमने इसको रखना है। कि हमने दोनों साइड पे सिलाई लगा लिया, इसको भी हमने इसी तरीके से लगा लेनी है। जिस तरह से सिलाई लगाई, इस तरह से हमने दूसरी साइड के भी सिलाई लगाई है। ये हमने कागज़ के ऊपर ये बनाया है, ये हमने बना लिया है। इसको इस तरह से रख के जो हमारा निशान लगाया हुआ था, निशान के साथ साथ हमने उसको बिठाएंगे। इसको हमने बैठा लिया, इसको अब सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। ये पट्टी हमने आस्तीन के आगे ऐसे लगाएंगे इस तरीके से। पहले इसको एम कर लेंगे इसको, फिर उसके बाद हमने पट्टी लगाएंगे इधर। ये हमने सिलाई लगा ली है, इसके ऊपर रख के हमने इस तरह से पट्टी लगाएंगे। एक सिलाई लगा ली है, अब दूसरी सिलाई भी लगाएंगे इसको। ये हमारी जाल वाली आस्तीन मुकम्मल हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही वीडियो को शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिल सके। शुक्रिया।